नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। हाथियों ने एक ही रात में दो गांव में पहुंचकर जमकर मचाया तांडव। हाथियों का उत्पात लगातार जारी, गुस्से में है गजराज। चीनी थाना क्षेत्र में बुधवार की रात्रि जंगली हाथियों ने क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। बुधवार की रात्रि राजपास गांव एवं सीधे गांव में जंगली हाथियों ने लगभग दो दर्जन किसानों की फसलों को रौंद दिया तथा खा गए। राजवास गांव के जिन किसानों की फसलों को जंगली हाथियों ने नुकसान पहुंचाया, वे हैं सूर्यदेव सिंह, दिनेश्वर सिंह, दिलावर भुइया, बुधन सिंह, सविता देवी, तेतरी कुंवर, अविनाश सिंह, बुधन भुइया, रोहित भैया, अवधेश सिंह, रूपनारायण सिंह, शिवप्रसाद सिंह, सुभाष सिंह, मुद्रिका सिंह, जितेंद्र सिंह, आशुतोष सिंह के धान व मकई तिल के फसलों को जंगली हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं सीधे गांव के बिंदु यादव, उपेंद्र कुमार यादव, गोपाल यादव, उमेश यादव, मदन यादव, संतोष यादव, कृष्ण यादव, हुलास सिंह, रूपचंद यादव के धान व मकई कई एकड़ में लगी फसलों को जंगली हाथियों ने रौंद दिया तथा खा गए। बताते चलें कि पिछले दो सप्ताह से अधिक दिनों से क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक है, जिस क्षेत्र के किसान काफी दहशत में व नुकसान में हैं। जंगली हाथी दो झुंड में बट गए हैं। एक झुंड में 15 से 20 हाथियों की संख्या बताई जा रही है। किसानों ने क्षेत्र से जंगली हाथी को भगाने की मांग की है। वहीं वन विभाग इस मामले में अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया है। मामले में पूछे जाने पर प्रभारी वनपाल अनिमेश कुमार ने बताया कि जंगली हाथियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान किए जाने की जानकारी मिली है। नुकसान हुए फसलों को जायजा लिया जा रहा है। सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। धन्यवाद। नामांकन प्रारंभ। माँ नगीना शाही महिला महाविद्यालय नगर उंटारी में स्नातक स्तरीय पास में प्रतिष्ठा कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2023-27 का नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है।